हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हम बात करेंगे आज फिर से नए मॉक टेस्ट के संबंध में, जो कि है हिंदी का। शुरू हो जाइए, 30 प्रश्न है इस वीडियो में। सोचने के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, प्रतिदिन में समास है अव्यय भाव समास, द्वंद्व समास, दीर्घ समास, तत्पुरुष समास। प्रतिदिन में समास है अव्यय भाव समास। नील गाय में समास है दिग, द्वंद, बहुब्री, कर्मधारय। नील गाय में समास है आपका कर्मधारय। क्रिया कैसा शब्द है, विकारी, अविकारी, विशेषण या कोई नहीं। क्रिया जो शब्द है ये है अविकारी शब्द। स्वजात का विलोम है अजात, कुजात, विजात, सुजात। स्वजात का विलोम शब्द है विजात। श्री गणेश का विलोम है इत, इत श्री, अथ, इत्यलम। श्री गणेश का विलोम है इत श्री। रसा का पर्याय है यानी पर्यायवाची है रत्नगर्भा, अचला, धरित्री, तमिश्रा। तो रसा का जो आपका पर्याय है वो है तमिश्रा, डी ऑप्शन इसका सही है। विडोजा का पर्याय है नक्षत्र, अप्सरा, इंद्र, किंकर। तो विडोजा का जो पर्याय है वो है इंद्र जी। आदमी किस भाषा का शब्द है, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी। आदमी जो है यह है अरबी भाषा का शब्द। नारियल शब्द का तत्सम है नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल, नारिकेला। तो नारियल शब्द का तत्सम है नारिकेल। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, भैंस, बारह, सच, पद। इनमें से तत्सम शब्द है आपका कौन सा है, पद। देखिए, मैंने जैसे आपको सुबह बताया था कि जो प्रीवियस पेपर है उनको पढ़ते रहिए, तो पढ़ते रहिए लगातार उनको। जो है ऐसे पढ़िए कि उनको कभी कभी भूलिए ही मत, मतलब रोज आपको उनको पढ़ना है, जो प्रीवियस पेपर है सन 2011 से 2018 तक। अरिहंत की बुक आती है उसको, अरिहंत की जो है प्रीवियस पेपर की बुक आती है उससे पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है, वो काफ़ी अच्छी बुक है। हाँ, लेकिन प्रश्न जो है कभी कभी गलत हो जाते हैं, उसका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, हर बुक में गलतियां हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा। बाकी अरिहंत की बुक सही है। सन 2011 से 2018 के जो प्रीवियस पेपर हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास, इनको जो है आप सब दोहरा लीजिएगा। सबसे ज़्यादा रिपीट होता है हिंदी में, बाल विकास में, पर्यावरण अध्ययन में। इन तीन को तो आप लोग जो है घोल कर पी जाइएगा, यानी भूलिएगा मत ही, जितने भी पेपर हों सब पढ़ डालिएगा, चाहे वो अपने राज्य के हों चाहे वो दूसरे राज्य के हों, टट के पेपर तो सबको पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा सबसे पहले, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच का शुद्ध रूप है वच, 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 व्रच। तो विच का शुद्ध रूप है व्रच। शुद्ध शब्द कौन सा है इन चारों में से, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही है, ये जो है परिणत, ये जो है ये बिल्कुल सही है। अगला है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है क्या कहलाता है, अपत्निक, वियोगी, विधुर, विपत्निक। तो ये कहलाता है विपत्निक। अगला प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके
वो कहलाती है असूर्यपश्या। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला है, आपको जो है रस बताना है, पंक्ति में क्या होगा। मन रेतन कागद का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छिन में, गर्व करें क्यों इतना। पंक्ति में रस है वीर रस, शांत रस, हास्य रस, विभत्स रस। मन रेतन कागद का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। यह है आपका शांत रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद, हास, क्रोध, वीर। तो जो आपका रौद्र रस है उसका स्थायी भाव है आपका क्या होगा? क्रोध। अगला है, शब्द अलंकार कौन सा है इसमें? यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा। तो यह है यमक। यमक जो है आपका शब्द अलंकार है। अगला प्रश्न है, चरर मरर खुल गए अरर, रव स्फुटों से प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है। उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। बहुत ही आसान है ये। इसमें है अनुप्रास अलंकार। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में अलंकार कौन सा होगा? यमक, रूपक, विप्सा या इनमें से कोई नहीं। यमक। हर गीत का छंद में मात्राएं होती हैं 24, 26, 28, 23। अट्ठाईस। अगला है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी। थोड़ा सा राइटिंग आज खराब है, लेकिन आप लोग जो है थोड़ा सा काम चला लीजिएगा। ब्रजबुल नाम से जानी जाती है, यह है आपकी पुरानी बंगला। जयद्रथ वध रचना है मैथिली शरण गुप्त की, महादेव वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो जयद्रथ वध जो रचना है वो है मैथिली शरण गुप्त जी की। इत्यलम रचना किसकी है? प्रसाद प्रेमचंद अज्ञेय महादेव वर्मा। देखिए, जो इत्यलम रचना है वो है अज्ञेय जी की। बूढ़ी काकी रचना है प्रेमचंद पंत प्रसाद दास, यानी श्याम सुंदर दास। बूढ़ी काकी जो रचना है ये प्रेमचंद जी की। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। हंस पद कौन सा है इन चिन्हों में, बताइए आप लोग। हंस पद जो है आपका बी ऑप्शन वाला है, ठीक है। अगला है, अंतस्थ व्यंजन कौन है चारों में से, बताइए। अंतस्थ व्यंजन ड या सा ट। अंतस्थ व्यंजन आपका या है, ठीक है। अगला है, जूतियों में दाल डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? दुखी होना, लज्जित होना, लड़ाई झगड़ा करना, चापलूसी करना। जूतियों में दाल डालना मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा करना। चिकना घड़ा होना, निर्लज्ज होना, समृद्ध होना, चिकना होना, कोई नहीं। चिकना घड़ा, सॉरी, चिकना घड़ा होना ये होता है निर्लज्ज होना। चरखा किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या संकर। चरखा जो है ये फारसी शब्द है। कामायनी रचना किसकी है? अगर ये प्रश्न आपका गलत हो रहा है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। देखिए, 30 में से अगर आपने 25 सही करें यहाँ पर, तो एग्ज़ाम में आप 21 प्लस करके ज़रूर सही करके आएंगे, ये मुझे आशा है। अगर 30 में से 27 सही करके आए हैं यहाँ पर करें हैं, तो मान के चलिए 25 प्लस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जितने भी अंक आपके आए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।